सॉल्यूशन का हम लोग अवेज में ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग जिस सॉल्यूशन को भी खोजेंगे उसके साथ में कुछ समस्याएं आएंगी। अगर हम लोगों को अगर रेलवे लाइन बनाना है, पहाड़ पे बनाना है, तो समस्या आएगी ही आएगी। हम लोग इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उसे रेलवे लाइन को बनाए नहीं। हमारा मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल ही दूसरा है कि पूरे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को हम लोग किस रूप में इंटीग्रेट पूरे इंडिया में कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग अर्बन एरियाज में भी प्रॉब्लम जो आते हैं, समस्या आती हैं, हम लोग यहाँ भी इस बारे में बात करते हैं कि सभी स्कूल और कॉलेज के टाइम और सभी ऑफिस के टाइम हम लोग अलग अलग कर दें, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या कम से कम समाधान हो सके। तो हम लोग यहाँ भी तो समस्या के बारे में बात करते हैं, तो समस्या का जब समाधान आप करने चले गए तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं तो आएंगी आएंगी जी। तो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन तो हमारे एज में कभी नहीं मिल सकता है, हम लोग इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। बहुत आइडियल केस है, बहुत ही आदर्श केस जी जरूर। लेकिन इसमें सिद्धार्थ साहब यही बात है कि अगर इस तरह की बातचीत हो सकती है कि जो सुविधा हो, जिस हिसाब से हम एक घंटा आधा घंटा जिस तरह से टाइम को आगे पीछे कर सके, नहीं तो सिर्फ हम लोग आधे घंटे टाइम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। और देखिए आधे घंटे टाइम शिफ्ट करने से हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात छोड़ देते हैं, हम लोग एनर्जी सेविंग की बात छोड़ देते हैं। अब देखिए कहां कहां पे हो सकता है, हम लोग पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सोशली इंडिया के साथ में इंटीग्रेट करने काम कर सकते हैं। आपने आपने इस बात पर ध्यान दिया, कोई भी टेलीविजन सीरियल नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रखकर ध्यान में रखकर कभी नहीं बनाया जाता है। जिस दिन उनके उन्हें ध्यान में रखकर टेलीविजन सीरियल बनेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोग अपने आप को उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नेशनल इंटीग्रेशन होगा। इसका जो मूल्य है उसका है, इसका जो प्राइस है वो बहुत ही बड़ा हमारे लिए, मतलब कि ये प्राइसलेस चीज है जी। अगर ये लोग हमारे साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो कि अभी तक इंटीग्रेट नहीं हो पाए पूरी तरह से, तो ये हमारे लिए प्राइसलेस है। जो हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए एनर्जी सेविंग महत्वपूर्ण है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को इंटीग्रेट करना महत्वपूर्ण है, अमन चैन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप ऐसे भी देख लीजिए कि शाम के समय में जिस समय भी हम लोग ऑफिस के टाइम को नीचे कर देंगे, वहां पर क्राइम रेट घट जाएगा जी, उस स्थान पर एक्सीडेंट का रेट घट सकता है उस स्थान पर जी जी। एक सिद्धार्थ साहब, जैसा कि आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें मीडिया की भी बात कर रहे हैं, टेलीविजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक व्यवहारिक समस्या, अगर इसको आप कैसे बताना चाहेंगे कि तब जो प्रसारण समय है, अगर कोई एक चैनल है वो अपने कार्यक्रम का प्रसारण करता है, तो उसे फिर दो बार प्रसारित करना पड़ेगा, या फिर दो अलग अलग सिग्नल्स पे या दो अलग अलग चैनलों पे प्रसारित करना पड़ेगा, इस तरह की समस्याएं होंगी, तो फिर इसको कैसे देखते हैं? हालांकि जो चैनल है जो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट को लेकर डेडिकेटेड है, वहां पे टाइमिंग वैसे ही है जो वहां के लोगों को सूट करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो नेशनल चैलेंज तो हमारा नहीं है ना, जिसके साथ में हम लोग पूरे पूरे कंट्री को इंटीग्रेट कर सके। लोकली तो अवेलेबल टाइम वैसा ही रहता है जी, लोकली तो अवेलेबल टाइम वैसा ही रहता है। आप प्राइम टाइम न्यूज के बारे में बात कीजिए, तो प्राइम टाइम न्यूज हम 9 बजे या 10 बजे टेलीकास्ट करते हैं। 9 बजे या 10 बजे तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नागरिक वो सोने चले जाते हैं, वो अपने आप को न्यूज भी कैसे देख पाएंगे अच्छी तरह से जी, तो आधे घंटे से देख पाएंगे जी। जैसे सिद्धार्थ साहब, रोक रहा हूं आपको, इसको कैसे देखते हैं इस समस्या को, इंटीग्रेशन वाली बात जो मीडिया से संबंधित है, इससे इस पे क्या कहेंगे? ये तो आप व्यवहारिक तौर पर अगर